अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम। इतने जोर से आप लोगों ने सलाम का जवाब दिया है, पूरा भारत हिल गया। हिंदुस्तान को आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन तलबा पैदाइशी आता था। मस्जिद में है तो आजाद, दरसगाह में है तो आजाद, रोड पर है तो बोलिए आजाद। इसलिए कि आजादी पैदाइशी हक, चाहे महबूब आलम मना करें, चाहे मौलाना नसीर साहब मना करें, लेकिन बोलेंगे जरूर मस्जिद में। इसलिए हम ये चाहते हैं आज आप ही लोग बोले, हम चुपचाप सुनेंगे। तैयार है? एक ही आदमी की तकलीर हो या हमारी या किसकी होगी, तो हमारी होगी तो हमारी तकलीर सुनने के लिए थोड़ा सा आपको आजादी छोड़ना पड़ेगा। छोड़ेंगे? मौलाना ने कहा कि 10:30 बजे खत्म करिएगा। मैं 10:28 मिनट पर खत्म कर दूं, 2 मिनट पहले तो और अच्छा है, इसलिए कि उसके बाद तो छुट्टी है। और मौलाना आमिर साहब ने बिरयानी पकवाया है, वो तो खाएंगे नहीं, खाली लेकर जाएंगे। तो तुझे भाई लगता पहले पता है। आज 26 जनवरी, मैं चंद मिनट में अपने इन दरगाह असीज को जो मुस्तकबिल के दायर बनेंगे, रहनुमा बनेंगे, राइडर बनेंगे, इमाम बनेंगे, कोई नासिक बनेगा, कोई मुदर्रिस बनेगा, कोई बानी बनेगा, उनको एक पैगाम देगा। आप जरा तवज्जो सुनेंगे बात को, हाँ थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाए, ज्यादा नहीं, बिल्कुल खामोश हो जाइए। हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों से पहले हुकूमत थी मुसलमानों की, और ये हुकूमत जो गई है मुगल के हाथ से गई है, और उसको अंग्रेजों ने छीना। मुगल सल्तनत 350 साल तक हिंदुस्तान पर बहुत कर्बो फर शान और शौकत और रोब और दबदबे के साथ। बाबर, अकबर, हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आलमगीर, मैं 6 दौर की बात कर रहा हूं। ये 6 वो बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने तकरीबन 350 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की, 350 साल। और हिंदुस्तान को आजाद हुए आज 74 या 75 साल हुआ होगा मौलाना, 76 हो गया। 76 साल में कुल कर्म हो गया। 350 साल अंग्रेजों ने मुसलमानों ने हुकूमत किया। आखिरी मुगल फरमा रवा, जिसे दुनिया औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है, तकरीबन 50 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत किया, और गैरों ने उस औरंगजेब आलमगीर को इतना बदनाम किया है कि लगता है पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा जालिम वही था। यह बदनाम किया गया है, तारीख लिखी नहीं गई है, बनाई गई, गढ़ी गई। औरंगजेब इतना नेक, जाहिद, मुत्तकी, पढ़ा लिखा बादशाह गुजरा है, 50 साल जिसकी हुकूमत थी, अगर वो चाहता तो कहीं हिंदुस्तान के किसी गली कूचे में मंदिर और मंदिर का घंटा नजर ना आता। अगर वो चाहता, 50 साल कोई मामूली दौर नहीं, लेकिन उसकी हुकूमत और उसकी सल्तनत कैसी थी, वो कुरान करीम लिखकर, टोपी बुनकर, अपना जेब का खर्च और घर का खर्च चलाता। औरंगजेब आलमगीर की बात कर रहा हूं, बादशाह है। आज तो अगर किसी गांव का कोई प्रधान बन जाता है तो सबसे पहले
शक्कर और चावल और तेल जितना आता है वो ब्रेक करके अपना पैसा जमा कर लेंगे। अब हम जाए जहन्नम में, पब्लिक को मिले या ना मिले, और औरंगजेब को अल्लाह ने हुकूमत दिया पूरे भारत पर 50 साल तक रोग और दबदबे का आलम था कि अच्छे अच्छे बादशाह नाम सुनकर कांपते थे। वो जिंदगी गुजारता था किस तरह, टोपी बुनकर पुरानी करीब लिखकर अपने घर का खर्च चलता। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने नूरुल अनवार लिखा है जो अरबी शशों में पढ़ाई जाती है ना, चारों में पढ़ाई जाती है, वो नहीं निकली आप नहीं, वो है नूरुल अनवार नहीं निकली अगर निकलेगी इंशाल्लाह। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने नूरुल अनवार को सागर में लिखा है, कोई बताएगा चारों में ताले में पूरी किताब कितने दिन में लिखा है? 2 महीना, 2 महीना 10 दिन। आप पढ़ते हैं कितने दिन में? 200 दिन, यानी 1 साल आप कह लीजिए 200 दिन, और पढ़ नहीं पाते। उन्होंने लिख दिया। अब मैं जो बात बताना चाहता हूं उसे जरा गौर के कान सुनिए। हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा अपने शागिर्द औरंगजेब से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए दिल्ली। तो हर तालिबे अपने उस्ताद की खिदमत करता है। तो हजरत जब वापस आने लगे तो औरंगजेब के पास तो कुछ था नहीं, जो कुछ था संकलन करता सल्तनत में से ले नहीं सके, अपने पास कुछ था नहीं, क्या देते? कहा हजरत रुकिए, मैं कुछ आपको हदिया देना चाहता। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह घर के अंदर गए, चार आना चवन्नी जिसे कहते, सच्चा वाकया मेरे बच्चों, चार आना लाकर दिया। कहा हजरत ये कबूल करने मेरे पास यही, शायद बच्चों को यकीन ना है कि बादशाह वक्त चार आना दे रहा है अपने उस्ताद को। आज तो अगर एक हाफिजा का तालिब इल्म अपना हफ्ज मुकम्मल करता है तो हाफिज फैजान साहब को 4 जोड़ा कपड़ा देता है। भाई वो सदर है तो उनको 4 जोड़ा तो बनता ही है, उस्ताद को 1 जोड़ा, 1 सदरी, 1 सफेद स्केटर का जूता, ये तो हर तालिबे को देता ही है और देना भी चाहिए। हम लोग बड़े दौरा पे पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे हमको नहीं देते, हमें कोई गिला नहीं। हम समझाते भी हैं कि भाई अपने उस्ताद को दिया करो, हमको ना तो लेकिन और लोगों को दिया करो, तब भी वो इतने सख्त मिजाज में कहते हैं मौलाना ना। अरे कुरान आप पढ़ाई पढ़ते हैं? हमने कहा भाई हम तो अबू दाऊद से पढ़ाते हैं, मौलाना तो तिर्मिज़ी पढ़ाते हैं, अब भाई कुरान अब हाफिज़ा को पढ़ाने के मिले तो उनको भी हदिया मिलेगा। तो अब सुनिए आगे बात, चार आने वाली। और इसे आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह सफर में चले गए जंगी मुहिम पर। जब वापस आए तो वज़रा ने कहा हजरत आपके उस्ताद के पास दौलत बहुत ज्यादा आ गई है, टैक्स लगाया गया GST। तो औरंगजेब ने कहा मेरे उस्ताद तो गरीब है, कहां से टैक्स लगाया जाएगा? कहा नहीं, उनके पास बहुत कारोबार फैल गया है, बहुत प्रॉपर्टी हो गई है, जमीन और जायदाद। तो हजरत ने कहां से इतनी दौलत कमा ली? आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने किसी दावत के बहाने से हजरत को बुलाया, वज़रा को बताने के लिए अपने ममलकत और सल्तनत के वज़ीरों को, जो देख रहे थे कि ये मौलाना साहब जो औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद थे कहां से इतने ईमानदार हो गए, जिसे आज हमारी आवाम देखती है कि अगर मौलाना शाकिर साहब फौलीला से चलने लगे और मौलाना इलियास साहब इन्नवा से चलने लगे, मौलाना लगता है आपने चंदे में गड़बड़ किया। अजीब आवाम पागल है कि वो आवाम कमा सकती है और उसके लड़के कमा सकते, वो इन्नवा से चले तो दुरुस्त, महबूब आलम मौलाना जियाउल्लाह अगर इन्नवा फॉर्चूनर से चले तो इसका मतलब चंदे में से लिया। हम नहीं कमा सकते, हमारा लड़का नहीं कमा सकता, हमको हदिया नहीं दे सकता। आज भी ऐसे ऐसे हमारे शागिर्द हैं, 34 साल से पढ़ा रहा हूं, वो आज अगर चाहे तो इन्नवा फॉर्चूनर हमको दे सकते हैं।
लेकिन एक ही चीज है करते नहीं, चंदा मुझसे चुराना। ये मामा अब्दुल्ला साहब है माशाल्लाह यहीं से पढ़े हुए हैं, अगर ये चाहे तो हमको मोटरसाइकिल भी हदिया दे सकते हैं। अलग बात है ना, दें देश देश का नफा ही कमाए। अब आगे वाली बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, औरंगजेब आलमगीर के पास जब मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे तो औरंगजेब ने कहा, हजरत लोग कह रहे हैं आपके पास बड़ी दौलत है, बात क्या? सुनिए गौर से। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ने फरमाया, सही कह रहे हो बेटा, सही कह रहे हो, तुमने जो चार आना दिया था ना, बड़ी बरकत उसमें हुई, बहुत उससे बरकत हुई, बहुत मेरी खेती बहुत हुई, बहुत पैदावार हुई। और लोग बैठे हैं सल्तनत ये घोषणा, आलमगीर रहमतुल्लाह का वो रजिस्टर लाया जाए 20 साल पहले वाला रजिस्टर लाया गया, काफला बनिया को बुलाया जाए, दिल्ली का बनिया बुलाया जाए, काफला तारीख फला महीने का रजिस्टर खोलो, खोला, कहा तुम्हारा रात में कोई आदमी गया था काम करने, बनिया ने कहा जी ये मेरे डायरी में मेरे रजिस्टर लिखा है, बनिया हर चीज लिखता, अगर तीन मतलब खा कर लिखेगा तीन मतलब मैंने कहा, और चार मतलब टॉयलेट जाएगा तो भी लिखे, बनिया है ना, एक बनिया एक सब्जी बेच रहा था सामान, और उसका 1500 रुपया हुआ, 50 पैसा भी हुआ, खरीदने वाले ने कहा भाई 1500 रुपया ले लो 50 पैसा छोड़ दो, कहा मौलाना सब आदमी आज हमसे खरीदे और हम सबको 50 पैसा छोड़ है, हमारा कितना जाएगा, कितना जाएगा भाई, सब आदमी 50 रुपया हुआ ना। बनिया ने कहा दिन भर में 50 रुपया हमारा तो घाटा हो जाएगा, हम इस 50 रुपया की सब्जी बना लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, 50 लेंगे जरूर। बनिया ऐसा होता, मौलवी बनिया नहीं होता, मौलवी आग बन करके खर्च करता है। औरंगजेब ने कहा रजिस्टर खोलो, खोला गया, कहा यहाँ देखो लिखा किसी के नाम, कहा लिखा हो कि रात में एक आदमी आया मेरा छत टपक रहा था, उसने मजदूरी किया, मैंने उसको 4 आना मजदूरी दिया था, औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया वो मैं ही था। सुनने में आलमगीर जिसकी सल्तनत थी वो कह रहा रात में मैं गया था और तुम्हें मजदूर की जरूरत थी और मैं किनारे खड़ा था सादे लिबास में, तुमने मुझे बुलाया कि मेरे घर में काम है कर दो, मैंने कहा कर दूंगा, मैंने किया, तुमने 4 आना मजदूरी दी, हजरत वो 4 आना जो मैंने आपको दिया था वही कमाई थी जो दिया था, हलाल कमाई में अल्लाह ने इतनी बरकत दिया कि मुल्ला जीवन मानदार बन गया, 4 आना भी 40 करोड़ का मुकाबला कर सकता है, हलाल में वो बरकत है। ये सब हिंदुस्तान का, चाहे यौम आजादी हो या यौम जमहूरिया हो या और भी कोई प्रोग्राम हो, हम तो इस दुनिया के अंदर जो पैगाम लेकर आए अल्लाह ने हमको भेजा है वो पैगाम कुछ और है, वो पैगाम ये है कि आप सच्चे और बहादुर मुसलमान बनकर दुनिया में रहिए, आप खौफ हरास अपने दिलों से निकालिए, बुजदिल ना बनिए, जुरत और बेबाकी के पैकर बनिए, हक के अलमबरदार बनिए, सदाकत के परिस्तार बनिए, दीन के इंसानियत के तर्जमान बनिए, आपके सामने बड़े बड़े हुक्मरान और बड़ी बड़ी सुपर ताकतें सब कदमों में आकर झुकेंगी इंशाअल्लाह। और झुकाया अल्लाह ने दिखाया, आपका पड़ोसी मुल्क आप देख लीजिए जाकर, पहाड़ों में बसने वाले जिनको कहा था दुनिया ने तुम्हें चटनी की तरह हम पीस देंगे, न तुम्हारी सलवार रहेगी न कुर्ता, न तुम्हारा अमामा, न तुम्हारी दस्तार, न तुम्हारी दाढ़ी, न तुम्हारी मस्जिद, न तुम्हारा मदरसा, न तुम्हारा मीनार, कुछ नहीं रहेगा। 20 साल तक नाक रगड़ गई दुनिया, अपना हर एटम बम इस्तेमाल कर लिया है, खतरनाक से खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया, लेकिन पहाड़ों की मखलूक का बाल भी का न कर सके, और भागे तो रात की तन्हाई में भागे और अपना हवाई जहाज छोड़ कर गए जिसके पंखों में रस्सी बांध कर झलुआ छू लेती। आप वो हैं
अब मैं 2 मिनट के अंदर बता दूं, आज 26 जनवरी में जमहूरियत है क्या? आवाम की मर्जी से आवाम की हुकूमत, यही जमहूरियत की तारीफ है। अगर 100 आदमी है, 50 आदमी ने वोट दिया एक को, 40 ने दो को दिया दूसरे को, और 10 ने किसी और पार्टी को दिया, तो कामयाब है 50 वाला। अल्लाह अकबर ने इसकी हकीकत में बयान किया है, इस मर्द फरंगी ने ये राज किया फाश, हर चंद की दाना इसे खोला नहीं करते। एक मर्द फरंगी ने ये राज किया फाश, हर चंद की दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें मर्दों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। जोर से नारा लगाते मालूम हो गया जान, इस नारे से कुछ नहीं होगा। उठो हिंद के बागबानो, उठो, उठो हिंद के बागबानो, उठो, उठो इंकलाबी जवानों, उठो किसानों, उठो कामगारों, उठो वक्त की तरह हंसते हुए बढ़ो आगे, और फिर तुम्हारे सामने मंजिल खुद कदम चुमेंगे इंशाअल्लाह। मैं शेर पर अपनी बात को खत्म करता हूं, और आपको इस जमहूरियत के प्रोग्राम में जो पैगाम दे रहा हूं कि आप अपने दीन, अपनी मिल्लत और अपने मजहब के साथ मजबूती से कायम रहेंगे, तो इस दुनिया में कोई आपको न मिटा पाएगा न दबा पाएगा इंशाअल्लाह। और अगर इसमें हम कमजोर हुए तो जालिम और जाबिर हुक्मरा हमारे अमाल बदी से मुसलत किए जाते हैं, फिर वो हमको चखाएंगे तरह तरह का साहब, फिर अल्लाह की पकड़ आएगी, फिर अल्लाह ताला हमें इस दुनिया के अंदर कमजोर ही नहीं, इस दुनिया के अंदर मजबूर मकहूर मगलूब कर देगा। आपकी इज्जत तो बस इस दीन के साथ वाबस्ता रहने में है। अल्लाह अकबर फरमाते हैं कि डाली गई जो फसल जना में शजर से दूर मुमकिन नहीं, हरी हो सहाबे बहार से मिल्लत के साथ, रابطے उस्तवार रख पैवस्ता रख शजर से उम्मीदें बहार रख। अल्लाह आपको सलामत, शजाअत, अदालत का और इमामत का और इसी तरह जितामत का और हर मैदान में तैयारत का पैगर बनाए। वाहु दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।